सॉरी 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 लड्डू भाई, ये देखो ट्वीटी वाले जूते, ट्वीटी है मानी है भरा हुआ नाइकी का स्टोर वेंट्स डे को भी। और ये 100 डॉलर की आ रही है, 150 की है प्राइस फॉर दिस वन। भाई किसी ने साइकिल पार्क कर रखी है स्टोर में यहाँ पे। और यहाँ पर जितने भी शूज लगे हैं सारे 40% और ऑफ है। ये शौक भाई तब थोड़ी करेंगे जब बीवी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, एकदम पार देंगे। ऐसा लग रहा है वो प्रैंक करेगा और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं, ये लिया इसको लगा पजामा है, पर इस साइड से तो खुला हुआ है इसका हिसाब किताब। अब जैसे लड़कियां भी देखती है वीडियो, तो ये दो लेगिंग 60 डॉलर की है, इस पे 40% ऑफ, पर 100 ग्राम 13 डॉलर की है। भाई दीदी ने चॉकलेट दे दी हमको। जब ये फुल हो जाएगा अपने आप नोटिफिकेशन काउंसिल को चली जाएगी, ये डस्टबिन उठाना है यहाँ से, फुल हो गया है। लैंडलाइन लग रहा है इसमें, 42 डॉलर पार्किंग है। अब आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग लेकर क्या क्या है। उल्टा करो, ये देखो जॉर्डन, हेलो गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू द व्लॉग। वी हैव वानी और मैं कूड़े वाला कूड़ा फेंक रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं कूड़ा, कहाँ जा रहे हैं कूड़ा फेंकते हुए? हम जा रहे हैं DFO शॉपिंग करने, क्योंकि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है और हमारे पास कुछ कपड़े नहीं है और हमने बहुत टाइम से शॉपिंग नहीं करी। हाइट डिफरेंस देख लो क्या, ये जो अपने 700 डॉलर के वो लाया है, ये होते हैं इंटरनेट 700 डॉलर के भाई, नोनू शेड्स शेड्स उठा लाया, ये होते हैं बिगड़े हुए बच्चे। इधर इधर नहीं 700 दिखाइए, ये कितने के? इधर दिखा शक्ल, दिखा। 250 डॉलर 250 उधर कर, ये देखो। आज तक मैंने नहीं लिए भाई, इसका रेट चेक करके बताओ। ऑनलाइन हमने तो नहीं देखा, हमको बोल रहा है कि मैं ले आया शेड्स चेक करो, और हमने देखे तो हमने कहा ये तो भाई 250-300 वाले है नहीं, ये थोड़े ज्यादा महंगे लग रहे हैं। बता नोनू सच सच, ये बड़े हैं। बता दूं हां, बता दूं ऑनलाइन? नहीं 700 रुपये, 500 डॉलर है। तू बेवकूफ है, 25,000 के ये चश्मा अपने मुंह पे लगा के क्या किया है तूने? ये भाई सेल पे ना, यार ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, और फिर ये सेल पे नहीं मिलता, लेटेस्ट है वर्सेची का, तो सेल पे नहीं मिलता और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो ये अभी चलेंगे आराम से 10-1 साल, फिर मैं पास ऑन कर दूंगा अपने बच्चों को। बदमाशी, ये जो यहाँ पे काट देख लो भाई, 19 साल का है और खर्चे देख लो भाई के, सीधा 500 डॉलर के शेड्स उठा लाया। और हम इंडिया में क्या कर रहे थे भाई, 5,000 की हमारी पॉकेट बनी थी महीने की, जिसमें से 2-2.5 और ले लेता था मैं पापा से रो धो के। और यहाँ देखो, इसलिए फायदा होता है, हमें बैचलर्स करने हो चाहे मास्टर्स करने हो, यू कैन अफोर्ड एनीथिंग, है ना, यू कैन अर्न एंड अफोर्ड। हाँ, हार्ड वर्क से भाई, और ये मैंने दिलाया, हार्ड वर्क, पैसे हैं, हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल है भाई। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई DFO और क्या करने, हाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक ट्रिप पे जा रहे हैं, और हम तीनों और केंजो, हम चारों जा रहे हैं हमारे साथ। तो अब आप लोग गेस कर सकते, तो आप लोग गेस कर सकते, और ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग नहीं गए हैं। नहीं, हम लोग स्नो पे भी जा सकते हैं, क्योंकि केंजो को हमको स्नो भी दिखानी है, तो मेरे को भी दिखानी है, मैंने भी नहीं देखी, हम पर नहीं देखी। बचपन में ही स्नो में पैदा हुए, स्नो में कहाँ पैदा हुई, नहीं मतलब घूम, मतलब पैदा होते ही चले गए। अच्छा, ठंडा ठंडा करने फील, और मैं साइकिल चलाती थी स्नो में, पता गिरती नहीं थी, नहीं पर्पल कलर की साइकिल थी मेरी। कहाँ, मनाली में क्या, US में? अच्छा US में, अच्छा ठीक है। चलो भाई, गाड़ी पूरी साफ सुथरी धो रखी थी मैंने, पूरी साफ चटकदार, ऊबर का सबका ब्लू ब्लू हो रखा है। और भाई गाड़ी देख लो, बिल्कुल एलॉयज वगैरह बिल्कुल चकाचक साफ कर दी थी मैंने। ऊबर करने में निकला था, डिलीवरी नहीं आ रही, तो मैंने साफ कर दी थी गाड़ी लगे हाथ। अभी हम लोग चलते हैं DFO, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, इतनी ज़्यादा नहीं खासकर, क्योंकि भाई ट्रिप पे भी खर्चा होना है तो, और हम लोग बहुत टाइम से शॉपिंग करने नहीं गए हैं, तो छुटपुट करना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, तो चलते हैं। फाइनली भाई हम लोग DFO पहुंच गए, और यहाँ पर ये देख निशान है, ये मेरे से साफ ही नहीं हुआ, ये ऐसा लग रहा है कबूतर ने फेविकॉल वाली टट्टी कर दी, कबूतर हट ही नहीं रहा, बाकी तो पूरी साफ हो गई थी। चले वानीमेट, मोटी लग रही है, बड़ा थायराइड है तो क्या करें, हम ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी, थोड़ी सी एक दो टी शर्ट हो गई, वानी ने तो कर ली थी कल जाके थोड़ी बहुत, और अभी थोड़ी बहुत, तो क्या नाइट सूट नहीं है, नाइट सूट थोड़ी पहन के, तो मेरी शॉपिंग वही होती है, क्या तो काम के कपड़े हैं नाइट सूट। हाँ, तो DFO भाई बढ़िया ऑप्शन रहता है हमेशा, कोई भी अगर आप लोग बाहर किसी स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पर महंगा मिलेगा हिसाब किताब, यहाँ पर आप लोगों को एक वर्जन शायद से ऊपर कराना और थोड़ा सेल में अच्छा मिल जाता है, तो आज शॉपिंग करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए नहीं चला, सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं होम मेकर के पास,
चलो वो रहा डीएफओ लिखा। ये नोनू गलत चढ़ गया, ये ऊपर चला गया, नीचे जाना बहुत टाइम बाद आया भाई, अंडे भी परेशान है, कहाँ जाना है, आ जाओ। ऐसा लग रहा है वो प्रैंक करेगा और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना मानी। देखियो भाई $990 का अकेला सोफा $990। वाह, और ये 1,25,000 के पड़े हैं भाई, बहुत बहुत महंगा हिसाब है भाई यहाँ पे फर्नीचर का। और कोई भी नहीं है दुकान में खरीदने वाला, दुकान को लिया बस। चेयर के अलग दोगे तो ये चेयर अलग है, ऑटोमन अलग है, ये अलग है, सब अलग है। फर्नीचर भाई ऑस्ट्रेलिया में बड़ा महंगा है, हमारे नहीं, अभी रिसेंटली और महंगा हो गया, डबल हो गया तो पहले प्राइस बहुत महंगा है। ये लिखा 50% है, बट वो सिलेक्टिव आइटम्स पे ही होता है, उसमें जो बाहर दिखा रखे हैं वो तो मेन अच्छी चीज दिखाते हैं ना। जैसे कभी शॉपिंग करो तो मैनिक्विन्स जो लगे होते हैं ना वो देखा करो, उसके ऊपर अच्छी चीजें लगाई होती है उनकी, बेस्ट कलेक्शन लगी हुई है गाइस, $30 की है। ये भी है भाई, यहाँ पर रिप जीन्स लगी हुई है, लेडीज तो नहीं है, नॉन हुई है, मैंने कितने की है, ये सब कुछ बांग्लादेश से, और सब कुछ बांग्लादेश से बनकर आ रहा है भाई यहाँ पे, देखो ज्यादा रिप नहीं है, नहीं ठीक है, गोड्डा थोड़ा सा तो बाहर दिखे भाई। अभी वहाँ पे मैंने दीदी को पकड़ा दी है वाली शर्ट, देखनी है मेरे को कितने की, अच्छी लग रही है ये, बड़ा लोग पहन रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, 50 की है, वर्थ तो नहीं है बट सस्ती हुई तो ले लूंगा, जितने का तेरा चश्मा आया ना 5-10 आ जाएंगी ये पर भाई सही है, शौक बड़ी चीज है भाई, शौक पूरे होने चाहिए, शौक नहीं वो वन टाइम ये शौक भाई, तब थोड़ी करेंगे जब बीवी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब तो उनके शौक पूरे करने हैं ना। बिल्कुल कुछ नहीं, अभी उम्र है नोनू की, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मेरी उम्र थी मैंने गाड़ी खरीद ली है ना, वानी होती ना भाई मेरे को गाड़ी नहीं लेने देती, बोलती घर के लिए पैसे बचा ये सब मत खरीद, ऐसा कौन होता है बताओ आज के डेट में, है ना, ये नहीं मैं तो मर्सिडीज में ही ये वो, नहीं भाई घर के लिए पैसे बचा। फुल प्राइस ओके भाई, ये लग तो सही रही है पर इसमें से कहीं से बाहर तो नहीं दिखेंगे सी थ्रू है हल्की सी, ऐसा लग रही है मांग के पहन रखी है, चोरी करके लाया हूँ, नहीं अच्छी लग रही भाई ये, शीशा भी गंदा है, इनको पता नहीं मैं ब्लॉग बनाने आ रहा हूँ, शीशा तो हल्का साफ रखे, अच्छा यू आर हायरिंग फिर भी जॉब नहीं देते, और अगर सेल पे होती है ना तो भी नहीं लेता भाई, भाई दूर से अच्छी लग रही है ये, दिखाइए ब्रो कभी मांग के लाया, कैसा लग रहा है, बेकार लग रहा है ना, बहुत बैगी लग रहा है, पेट भर रहा है, $20 की है बस ये सेल पे है, तो भाई वानी ने ये लिया, इसको लगा पजामा है पर ये साइड से तो खुला हुआ है, इसका हिसाब किताब ऐसे साइड से यहाँ से खुलेगा, ये जितना मैंने फोटोज में वीडियोस में देखा लड़कियों को ऐसे खुला होता है बीच पे यहाँ से ले लेना भाई, नो भाई इसको लगा पजामा है, ये देखे तो खुला साइड से, तेरे को आया कुछ पसंद, मेरा साइज ही नहीं है इसमें, वाइट उठा ले, वाइट नहीं है, वाइट 50 की है, ये 20 की है, करियो सीधी नोनू भाई, नया फैशन आया है ये, जे फाड़ दी किसी ने, दोनों तरफ से फटी हुई है, ये फैशन हो गया, गलती से पीछे चाबी डाल दी चाबी गिर जाएगी, अच्छी लग रही है चप्पल $10 की बीच वाली, पर हम तो स्नो पे जा रहे हैं, ओह शिट भाई अभी हम लोग घुस गए मिनीसो, वानी मच्छर मारने वाला रैकेट, अरे नहीं है वो है बबल्स वाला, लेना वानी $4 का, केंजो को खिलाएंगे, ये भी है कुछ, इतने सारे ब्रश क्यूट लग रहा भाई, ये रीबॉक का शोरूम तो अभी खुला है नया, सालों पहले पहनते थे हम, अभी भाई हम लोग आगे लिंट, यहाँ से कॉफी पीनी है, जो बाहर से चॉकलेट लेकर आते हैं वो इसमें ही लेते हैं, ये सारी कोई भी चुन लो, यहाँ से बैग उठाओ उसमें मिक्स कर दो, पर 100 ग्राम $13 की है, नहीं तो कॉस्टको से भी उठा लेंगे, पर नहीं खानी यार बहुत मीठा है, अभी तो जिम जाने की बात कर रही थी, क्या हो गया, पोपट लाल का छाता है, नहीं तो कैरेट है, हमने ली भाई दो करवाले करवानी है, तो हमने ली भाई दो आइस मोका और एक हॉट चॉकलेट, तो मैंने बोला लेस आइस, कैरी तीनों में, मैंने कहा हॉट चॉकलेट में आइस करी, ओ सॉरी सॉरी भाई इनका नया सौदा आया है ये सारा, इनका मेन्यू अच्छा है बड़ा, ये लिंडोर को मेल्ट कर फ्रीज कर दे, तो फिर शॉपिंग पे आके करें जब दुकानें बंद हो जाए, तब घर पे जाना पड़ेगा ना, कुछ करी भी नहीं आज हमने, भाई दीदी ने चॉकलेट दे दी हमको, वेरी नाइस थैंक यू, चीयर्स, अरे उठाना, अच्छा बना ले, ए कोच पड़ला माइकल नू ते मजे कर अरमानी दे नाल, समझ गई, हाँ हाँ बनी नहीं कोई बात, ये तो बढ़िया भाई हॉट चॉकलेट, वाह नहीं कह रही है इतनी ज्यादा कड़वी क्यों है बेटा, तुम बहुत लाइट कॉफी पीते हो, कोच चले, चलो भाई हम लोग आ गए अभी कोच पे, ये जैकेट भाई $1200 की है, और नई चप्पलें आ गई कोच की, हमारी तो वो है मेरी और वानी की, और भी आ गई लाइफ जैकेट तो भाई देखो ये ना ऑटोमेटिक डस्टबिन होते हैं मेलबर्न के अंदर,
ये आपको लाइट दिख रही है तो इस पर लिखा है कि बहुत कम भरा हुआ है अभी, ठीक है। जब ये फुल हो जाएगा अपने आप नोटिफिकेशन काउंसिल को चली जाएगी कि ये डस्टबिन उठाना है, यहाँ से ये फुल हो गया है। पता है तेरे को, नोटिफिकेशन जाएगी काउंसिल के पास जब फुल हो जाएगा ये, तब तो वो उठाने आ जाएंगे इसको। और जो बाहर मेन रोड पे लगे होते हैं उनके अंदर तो इतना भी होता है कि रोड पे इस टाइम कितना ट्रैफिक है, जब कम ट्रैफिक होगा तब लेने के लिए आएंगे, तभी नोटिफिकेशन दे देगा उनको कि ये भर चुका है, आगे ले जाओ। चलो विक्टोरिया सीक्रेट मस्त दुकान है ना, चलो चलो चलो। भाई किसी ने साइकिल पार्क कर रखी है स्टोर में, यहाँ पे पीछे का टायर भी पंचर है, आगे का भी, ये आगे का ठीक है। भाई राल्फ लॉरेन के कपड़े लाजवाब होते हैं, उसके कोई कहने नहीं है, ठीक है। बट इनके जूते देखो छपरी, इससे पता लगता है जो जिस चीज में अच्छा है वही करे, दूसरी चीजें ना करे। ये देखो गंदे जूते बना रहे हैं, कॉपी कर दिया है। हाँ बहुत छपरी लग रहे हैं मैं जूते तो। ये बढ़िया लग रही है गाइस, थोड़ी टाइट है बट सही तो है। $40 की है भाई, यूजुअली ये 90 की होती है, 40 पे लग रही है उठाना है। प्राइस फॉर दिस वन, भाई तुम ये जैकेट पहन लो, सर्दी में मेलबर्न में कहीं से भी हवा नहीं घुसेगी अंदर, तो पैरों से जा सकती है, पैरों पे नहीं पहन पाओगे ना, ऊपर ऊपर कहीं हवा नहीं लगेगी। और ये $100 की आ रही है, 150 की है, 30% स्टोर वाइड डिस्काउंट चल रहा है, तो लुक्स वेरी नाइस, यू कैन हैव इट। और ये लेडीज है और जेंट्स वाली इधर है। जो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है पफर जैकेट सबसे जल्दी बिक जाती है यहाँ पे, और स्टॉक में भी नहीं रहती जब सर्दी आती है, तो गर्मियों में रख लो। और DFO से लोगे तो बढ़िया प्राइस, बाहर से लोगे तो महंगी पड़ेगी। पर मैं नहीं पहन सकता, जितनी भी ठंड हो रही हो मेरे चीज मचती है, अच्छी लग रही है वाली लाइफ जैकेट। भाई हम लोग आ गए नाइकी की शोरूम में, तो बढ़िया लग रही टी शर्ट, मेरी बर्थडे भी लिखी हुई है, और जॉर्डन वाला भी कूद रहा भाई, भरा हुआ नाइकी का स्टोर वेंट्स डे को भी। ये कौन से जूते हैं, मैंने देखे नहीं कभी, जॉर्डन है, नए आए हैं पता नहीं, पुराने हैं पता नहीं, नाइकी वाले दोस्तों बताओ क्या है ये, लैंडलाइन लग रहा है इसमें। भाई जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को याद है मैंने जूते खरीदे थे $270 के, और उसका ये फट गया था, गुंजीत ने भी लिए थे, गुंजीत का यहाँ से भी फट गया था पूरा, तो इनकी लाइफ 1-1.5 साल ही है गाइस। भाई ये देखो ट्वीटी वाले जूते, ट्वीटी है वानी है, हेलो किटी, और इसकी हेलो किटी की पैकिंग भी बढ़िया है, ये देखो हेलो किटी की पैकिंग, ये जूते ये नाइकी अलग ही हो रहा भाई, ये देखो पैकिंग, हेलो किटी के जूते। और नाइकी पे देख लो भाई प्राइसिंग क्या क्या लगी हुई है, ये रिटेल प्राइस भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ऑलरेडी 190 का है और 150 का मिल रहा है, ये देखो भाई 170-140 में लगा हुआ है, ये और भी है पूरा देख सकते हो। शॉपिंग टाइम, ओह माय गॉड, देखो गाइस जॉर्डन $140 में धक्के खा रहे हैं इधर, ये भी, और यहाँ पर जितने भी शूज लगे हैं सारे 40% और ऑफ हैं एक्स्ट्रा। तो मैं अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई अच्छा तो है नहीं इनमें वैसे, बट ये देख लो ठीक है, इसका हम प्राइस देखते हैं, डब्बे पे लिखा होगा, रुको कहाँ है, ये 190 का है, और इस पर 40% और ऑफ लगा लो आप, 30 की एक देख लेना नो, तो कौन है भाई, नाइकी नाइकी पे बॉक्सिंग डे वाले दिन आ जाओ, इतनी भीड़ होती है कि आप कुछ खरीद ही नहीं सकते। और भाई वेंसडे को इतनी भीड़ है मैं हैरान हूँ, दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितनी भीड़ है वेंसडे के दिन, हद से ज्यादा। भाई हमको अभी पता लगा नाइकी पे एक्स्ट्रा 40 ऑफ चल रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये जैसे 120 का था 85, और इस पे भी 40% और ऑफ। भाई हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है अभी, हमको पे करना पड़ेगा पार्किंग का, नहीं तो $12 फालतू लग जाएंगे, $42 पार्किंग है, एक और डालनी पड़ेगी। अरे अब तो हो जाएगा, हो गई पार्किंग पे, $33 पार्किंग होती, $12 बचा लिए भाग के, क्योंकि हमारे हम 3-3 पर आए थे और 6-2 हो गए, एक मिनट का फर्क आता ना, $12 और लग जाते हर घंटे की $12 पार्किंग है तो 24 पर 50% डिस्काउंट कटता है भाई, वो कुछ भी शॉपिंग करोगे तो मिल जाएगा अपने आप यहाँ पे। भाई हो गई शॉपिंग, यहाँ रखो ले आओ गाइस, शॉपिंग हो गई, बताते हैं घर जाके क्या क्या लिया है। तो भाई फाइनली हम लोगों की शॉपिंग हो गई, एंड नाइकी पे हम लोगों को भाई पता ही नहीं था कि क्या डिस्काउंट चल रहा है, नॉर्मल एक प्राइस होता है उसके नीचे एक और चेपी लगी होती है छोटी सी, मान लो कोई 190 का है तो 150 की लगी होती है कि रिटेल प्राइस वो है, DFO का प्राइस ही है। और भाई जब हम लोग पे करने गए उस पे 40% और था, मेंबर्स के लिए डिस्काउंट, और मेंबरशिप तो ऐसी ऐप डाउनलोड करके हो जाती है साइन अप करके, तो भाई हमने फाइनली मेंबरशिप ली और हमने पहली बार शॉपिंग करी, फिर हम लोग दूसरी बार अंदर गए ठीक है, अभी घर पहुंच गए, आपको घर के अंदर जाके दिखाते हैं हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं आज ठीक है। और इतना ज़्यादा हम लोगों को मतलब वो था कि सिर्फ समर्स का खरीदना है, बट विंटर वाले कपड़ों पर भी सेल लगी हुई थी अच्छी खासी, तो हमने वो भी ले लिए लगे हाथ, ये नहीं अभी अंदर बताएंगे। भाई फाइनली घर आ चुके हैं, अब आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग लेकर क्या क्या है ठीक है, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले ये क्या क्या लेकर आए हम,
तो भाई सबसे पहले हम लोग आपको दिखाएंगे ये सेल वाली ही आइटम उठा के लाए हैं हम। मानी करिए इसको बाहर रखा है, ये खोल कर कर रहे सूंघने दे उसको, उसको वो करना है, उसको स्कैन करना है बार कोड नाक का अपनी। हाँ मिला कुछ नहीं मिला, चलो हटो। हाँ बस एक ही खोल के दिखा दे, मानी दोनों नहीं भाई। ये मेरी नोनो की, ये बिल्कुल $40 की थी बस, और ये वैसे 80-90 या 100 इतने की होती है। ठीक है कर दे बंद। और ये मैंने मैंने सोच लिया था पता नहीं कितने का, $8 $10। हाँ, ऐसे हाँ, ठीक है। ये चम्मच है मेरा काम पहले, उसको देख वहाँ बैठ गया डर के। ये वानी का स्कर्ट है, और ये बीच वेयर है जो कि स्नो पे जा रहे हैं। ये टॉप है, और ये नोनो की शर्ट है जो मेरे को आनी चाहिए थी प्रॉपर, बट मेरे पे बहुत बड़ी थी। ये भी $20 की थी। ये टूथब्रश टांग, और वो पंखा भी गंदा हो रखा है, उसको इग्नोर करो। ये केंद्रों का नया बेड कल लेकर आए थे हम, क्योंकि इस ट्रिप पे हम लोगों के साथ केंद्रों भी जा रहा है, तो इसका बीन बैग था सिर्फ पुराना, इसका बेड फेंक दिया था क्योंकि उसने फाड़ दिया था। चैंपियन ये टॉप, ओए केंद्र सॉरी लड्डू तिरले नहीं लेकर आए कुछ। ये टी शर्ट है $32। हाँ 32 की, और इस पे शायद 50% या 30% ऑफ थे। खोल मत पूरा, ये कार्गो पैंट्स है, बस नर्सिंग वाली है। ओ $100 की है, तो ये हमको 70 की पड़ी। हाँ, और उस पे शायद 30 पता नहीं क्या था, नहीं 30 आफ्टर डिस्काउंट। और ये इसकी नोनो की हुडी, ये चैंपियन की है बस। और दिखाते हैं आपको सबसे बढ़िया, तो भाई नाइक और वो चैंपियन की वो पफर जैकेट व्हाइट कलर की है जो आपने वीडियो में देखी ली थी, इसको नहीं खोल रहे फिर हम। फिर ये नाइकी की हमने पहली शॉपिंग करी, सबसे पहली। खोलियो मत पूरी टी शर्ट है, ब्लॉग में दिखेंगी बट ऊपर से दिखा देते हैं। ये 6 टी शर्ट है गाइस, 1 2 3 4 5 6, और ये हुडी पजामा, ये पजामा वो हुडी, फिर ये भी है कुछ। अच्छा ठीक है, ये नोनू का है पूरा ट्रैक सूट, और ये मैं बताती हूँ भाई इन पे तो तकड़ा डिस्काउंट मिला 85 का, हमको 40% हाँ 51 की हमको बड़ी। तो ये भाई सबसे ज्यादा तो सेल नाइकी पे लगी हुई थी, बाकी तो नॉर्मल एज यूजुअल होती है हर जगह पे। अब जैसे लड़कियां भी देखती हैं वीडियो, तो ये दो लेगिंग $60 की है, इस पे 40% ऑफ 24 ऑफ, तो $36 की दो नाइकी की भाई और क्या चाहिए। और मैं तो और लेती, क्योंकि भाई अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो आपको पता होगा आप जीन्स वगैरह कुछ नहीं पहनते, आप लेगिंग और हुडी पहनते हो बस। मतलब जेंट्स भी यही पहनते हैं नहीं तो। अच्छा। फिर भाई ये इन्वेस्टमेंट, फिर ये भाई ये पजामा एक मेरा है, ये शायद एक नंबर ऊपर है, और ये हुडी है मेरी ब्लैक कलर की, ये एक वानी का पजामा है। तो ये बस इतना ही थी, यही थी। तेरा बैग कहाँ है? वो व्हाइट वाला, यही थी। कम नहीं है और कहाँ गए थे हम? कॉटन ऑन गए थे, वो सब छोड़ी है। नाइकी की एक हुडी $150 की आती है भाई, नाइकी की एक एक टी शर्ट सारी 70-70 वाली, 80-80 वाली भाई हाफ प्राइस, और उसपे भी 40, तो बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट। और जॉर्डन्स भाई, चलो आप लोगों को एक दिखाते हैं हम लोग, ये वाली दिखाते हैं, खोल लिया। ये देखो भाई, ये है नाइकी की टी शर्ट, ब्लैक है, खोलियो। ये पीछे का है, आगे का नहीं है, ये पीछे का है, आगे का ये है। ठीक है, मस्त लग रही है, स्केटबोर्डिंग SB, और कपड़ा नाइकी का तो सेक्सी रहता है हमेशा। फिर एक और दिखाते हैं हम लोग, ये वाली दिखा, उल्टा करो, तो अच्छी लग रही है। ये देखो जॉर्डन, क्या चाहिए भाई? और बेसिक चीजें लेकर आए हैं कि बेसिक हुडीज और बेसिक टी-शर्ट्स, ताकि इसको तुम पहन सको नॉर्मल कैजुअल। और भी बढ़िया बढ़िया, हाँ, सारी सारी आप लोगों को व्लॉग वगैरह में दिखती रहेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज्यादा सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गर्ल फ्रॉम मेलबर्न, गर्ल फ्रॉम इंडिया, बॉय फ्रॉम इंडिया, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। केंदो बॉय, ऑजी केंदो, हाँ मम्मी की ये खा रहा, क्या बोलते हैं इसको वानी, ये तो फट गई, फाड़ दी केंदो, मान जा सॉरी, छेड़ वो उसको दे दे। हेलो कर, हेलो केंदो, हेलो दिखा दी। हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।